जम्मू कश्मीर के कुंजवानी में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मेटाडोर और कार के जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई है, 8 लोग बताया जा रहा है कि इसमें घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर के कुंजवानी से, जहां पर बड़ा हादसा पेश आया है। और आपको बता दें कि मेटाडोर और कार के जोरदार टक्कर आपस में, नतीजन हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये उस समय की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई। इस हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हादसा हुआ, और किस तरीके से हादसा हुआ आप अंदाज़ा लगाइए कितना खौफनाक ये हादसा रहा होगा। और बताया जा रहा है कि एक छात्रा की इसमें मौत हो गई है, 8 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेटाडोर और कार की जोरदार टक्कर, और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ। और उसके बाद लोगों की भीड़ जुटना वहाँ पर शुरू हो गई, जो घायल हुए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ये तस्वीर देखिए कितनी तेज़ गति से ये मेटाडोर इस कार के साथ टकराया है। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई है, 8 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुंजवानी में ये बड़ा हादसा हुआ है, और जहाँ पर एक मेटाडोर और कार की इतनी ज़बरदस्त टक्कर हुई कि एक छात्रा की मौत हो गई है, 8 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और हादसे के तुरंत बाद वहाँ पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई, और तुरंत रूप से जो घायल व्यक्ति थे उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से एक कार और मेटाडोर की जोरदार टक्कर हुई है। सीसीटीवी फुटेज में हादसा कैद हो गया। हालाँकि अभी फिलहाल देखने की बात यह होगी कि इसमें गलती किसकी रही, क्या ये कार रोंग साइड जा रही थी या फिर मेटाडोर की गलती से यह हादसा हुआ है, यह देखने की बात है। हालांकि जम्मू कश्मीर से यह मामला सामने आया है। इसके बाद अभी फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेटाडोर और कार के जबरदस्त टक्कर में एक छात्रा की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हैं। संवाददाता निसार अहमद जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निसार, किस तरीके से हादसा हुआ, क्या ये जो कार है ये रोंग साइड चल रही थी या तेज गति के चलते हादसा हुआ, क्या कुछ ताजा जानकारी है इस पूरे हादसे को लेकर? निसार, देखिए जिस तरह से कुंजवानी जो जम्मू का एक हिस्सा इलाका है वहाँ पे काफी मसरूफ और बिजी मार्केट माना जाता है, वहाँ पे आज तकरीबन 10:30 बजे के करीब जब एक मिनी बस मेटाडोर वहाँ से गुजर रहा था, तो वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जो अहम शाहिदीन है वहाँ के मेटाडोर में जो तवक्का से ज्यादा पैसेंजर सवार थे, वहाँ पे जिस तरह से जो 20 की कैपेसिटी होती है लेकिन वहाँ पे 30-35 के आसपास उस सफर कर रहे थे उस गाड़ी में, उसके उस मेटाडोर के जो एक और मेटाडोर उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। काफी तेज रफ्तार से ये दोनों गाड़ियां गुजर रही थी, सामने से जब एक मारुति गाड़ी आ रही है जो एक क्रेटा गाड़ी वहां से गुजर रही थी, तो वो एक मेटाडोर से टकरा कर एक हादसे का शिकार वहां पे हो गई है। कुल मिलाकर वहां पे देखा जाए तो जिस तरह से जो तवक्का से ज्यादा जो पैसेंजर सवार थे, दूसरी तरफ वो काफी उसके पीछे एक और मेटाडोर उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वहां पे जो सड़कें हैं वो उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है जहां पे ओवरटेक किया जा सकता था, वहां पे लोगों का काफी रश रहता है, जो वहाँ पे बाकी जो गाड़ियां होती है उनकी भी ज्यादा वहाँ पे उस पर रोड रहता है, तो उस तरह से ये हादसे का शिकार वहाँ पे हुई है। वहाँ पे आनंद फान जिस तरह से जो मेटाडोर था मिनी बस वो भी पलट गया है, जिस तरह से जो क्रेटा गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी वो भी काफी हद तक उसको भी काफी हद तक नुकसान हुआ है। और वहाँ के एनसाजन के मुताबिक वहाँ पे कुल मिलाकर 14 लोग उससे सवार जो जख्मी हो गए थे उनको अगर के अस्पताल मुंतकल कर दिया गया है, जहाँ पे 8 लोगों को काफी शदीद चोटें आई है, वो काफी सीरियस बताए जा रहे हैं, जिसमें एक भरवी जमात के एक छात्र भी मौके पर ही वहाँ पे जांबाग हुई है। कुल मिलाकर वहाँ पे प्रशासन भी पहुंची, मुकामी लोगों ने भी आनंद फानन वहाँ पे जितने भी जो पैसेंजर जख्मी थे उनको मुकामी अस्पताल मुंतकल कर दिया गया है। कुल मिलाकर वहाँ पे ये बात सामने आती है कि हालांकि जम्मू के लोगों ने बार बार प्रशासन से गुहार भी लगाई थी कि जो मिनी बसेस हैं उनसे कंट्रोल किया जाए या उनके रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिए जाए, जिस तरह से कश्मीर में हुआ है, कश्मीर में भी जो मिनी बस है उनको यहाँ पे ज्यादा जो मसरूफ मार्केट हो जाए। चलिए ठीक है निसार, फिलहाल जो घायल है उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया निसार, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।